बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम बबल सॉर्ट को देखेंगे कि बबल सॉर्ट किस तरह से इंप्लीमेंट होती है, किस तरह से हम उसकी सॉर्टिंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। वी हैव एन अरे ऑफ आइटम, सो दिस इज रैंडम अरे। हमें करना क्या है कि इसको सॉर्ट करना है। सो इसके अंदर बबल सॉर्ट के अंदर करते क्या है कि हर एलिमेंट नेक्स्ट के साथ कंपेरिजन होता है। हर एलिमेंट नेक्स्ट के साथ कंपैरिजन होता है, अगर तो वैल्यू छोटी हो। जैसे हमारे पास करंट एलिमेंट था 10, अगर तो वैल्यू छोटी हो, जैसे कि 9 हमारे पास छोटा एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, इनकी स्वैपिंग हो जाएगी, आपस में इनकी स्वैपिंग हो जाएगी। अगर तो एलिमेंट बड़ा होता और जो जिसके साथ कंपेयर हो रहा था वो हमारे पास छोटा होता तो स्वैपिंग अक्कर नहीं होनी थी। सो इसके अंदर हमारे पास होगा क्या कि अगर तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास जिसके साथ कंपेयर हो रहा है वो छोटा है तो स्वैप कर दे। सो हमारे पास 10 9 के साथ कंपैरिजन हो रहा था, सो हमारे पास स्वैपिंग अक्कर होगी। अब 10 ने 11 के साथ कंपेयर होना है, 10 ने 11 के साथ कंपेयर हुआ तो 10 छोटा था 11 से, मीन नो स्वैपिंग। देन हमारे पास 11 ने अब 6 के साथ कंपेरिजन होना है, अब 6 जो है वो 11 से छोटा है, 6 11 से छोटा है, मीन स्वैपिंग होगी। हमारे पास छोटा एलिमेंट पहले आ जाएगा और 11 जो है नेक्स्ट पोजीशन पर मूव कर देगा। देन अगेन हमारे पास 11 कंपेयर होगा, क्यों, क्योंकि 6 की पोजीशन के ऊपर 11 आ चुका है। हम कर्सर 1 पोजीशन आगे मूव करते हैं, 11 हमारे पास 6 के साथ जब स्वैप हुआ तो अल्टीमेटली हमारा कर्सर है अब इस पोजीशन के ऊपर आ जाना है, जो कि अगेन हमारे पास 11 वैल्यू है। सो नेक्स्ट हमारे पास फिर कंपेयर हुआ 11 और 15, अब 15 जो है वो हमारे पास 11 से बड़ा है, सो नो स्वैपिंग अक्कर। देन हमारे पास 15 और 2 कंपैरिजन हुए, देन स्वैपिंग अक्कर हो जाएगी क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 15। सो ये एक था हमारे पास कि हमारे एक दफा स्कैनिंग कंप्लीट होगी, नेक्स्ट टाइम फिर अगेन हमारे पास स्टार्ट से जो है वो अरे आएगी, कंपेयर होंगी वैल्यूज एंड देन इसी तरह से चलते जाएगा। 9 6 के साथ कंपेयर हुआ, स्वैपिंग होगी। फिर अब 6 10 के साथ कंपेयर हुआ, नो स्वैप। 10 2 के साथ स्वैप हुआ, सो हमारे पास 10 2 के साथ कंपेयर हुआ, सो स्वैपिंग अक्कर और हमारे पास 2 जो है वो इस पोजीशन पर आ गया। देन 10 ने कंपैरिजन होना 11 के साथ, नो स्वैप। 11 ने 15 के साथ होना कंपैरिजन, नो स्वैप। दोबारा से हम करेंगे कंपैरिजन, अब जब 6 9 के साथ कंपैरिजन हुआ, जगह कम होने की वजह से मैंने पॉइंट्स जो है वो कम बनाए, 6 9 के साथ कंपैरिजन हुआ, नो स्वैप। 9 2 के साथ कंपैरिजन हुआ तो स्वैपिंग होगी हमारे पास। देन हमारे पास 9 आ गया, 9 10 के साथ कंपैरिजन हुआ, नो स्वैप। 10 11 के साथ हुआ, नो स्वैप। 15 के साथ हुआ, नो स्वैप। देन दोबारा से स्कैनिंग स्टार्ट हुई, रीस्कैनिंग हुई, 6 2 के साथ कंपेयर हुआ, स्वैपिंग हो जाएगी और स्वैपिंग होने के बाद 6 9 के साथ कंपेयर होगा, 9 10 के साथ, 11 के साथ एंड 15 के साथ, और इस तरह से एक कंप्लीट अरे जो हमारे पास सॉर्ट हो जाएगी। होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।